इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पेशल लोडिंग है जिसके बिना मस्टैंग मस्टैंग नहीं होती। बोरला कहते हैं उसे, बोरला। अब तो आपके लिए फाइनली लेकर आए हम मस्टैंग, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। सिर्फ स्टार्ट करेंगे और थंप देखना गाड़ी का कितना सॉलिड आएगा। मैं करीब कर लेता हूँ माइक को, माइक ऑन है। सभी माय कंट्री मैरिड व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्ते। दोस्तों आज वो दिन दोबारा से आ गया है जब हम आपको दिखाएंगे ऑटो बेस्ट इंपीरियो के स्टॉक की सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट, क्योंकि इनके स्टॉक में भी रोज़ाना ही नई नई गाड़ी आती रहती हैं। अभी पीछे ही हमने आपको इनके स्टॉक की दो मस्टैंग दिखाई थी। मस्टैंग वो गाड़ी है जो इस टाइम इतनी ज़्यादा डिमांड में है ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग मस्टैंग के पीछे इतने ज़्यादा क्रेज़ी दीवाने हैं। और ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे इतनी सारी मस्टैंग आ चुकी है जो हमने आपको दिखाई हैं, कभी दो दिखाई हैं कभी एक दिखाई है, और आज दोबारा से फ्रेशली स्टॉक में आ चुकी है फोर्ड मस्टैंग GT फॉर सेल, यानी आप इसे अपना बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, लेस ड्रिवन है ये कार, और गाड़ी का जो प्राइस है वो तो हम आपको बताएंगे, बट इसके साथ साथ हम आपको इन्वेंट्री भी दिखाएंगे कि ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे इस वक्त कौन कौन सी गाड़ियां हैं अवेलेबल फॉर सेल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूवर्स से इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे मस्टैंग जो कि अवेलेबल है फॉर सेल एक और। अब जितनी भी मस्टैंग थी अभी तक वो जा चुकी हैं, अब ये वाली इन स्टॉक आ चुकी है, और आने वाले टाइम में कितनी आएंगी हम नहीं बता सकते, बट अभी हेलो ज़रूर कर सकते हैं। हेलो गाइस, इस नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो, एंड आज लेकर आए हैं फोर्ड मस्टैंग द अमेरिकन मसल कार आपके लिए। आपकी मतलब क्या ये USP रही है कि मस्टैंग के मतलब ट्रेंड सेटर रहे हैं प्री ओन्ड में? सिर्फ मस्टैंग के नहीं, आपको कई गाड़ियों का जैसे हमने पहले भी दिखाया, सपोज़ आपके पीछे एग्जांपल खड़ा है GLE 43 AMG, करेक्ट है, जो कि एक टाइम पे तीन तीन चार चार गाड़ियाँ होती है। जैसे कि GLC 43 AMG में हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक रैप्ड है, ये रेड कलर है जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया था, ओके, एंड ब्लू कलर में भी अवेलेबल है। तो मस्टैंग भी आपको अभी पिछले कुछ मस्टैंग करने का मौका नहीं मिल पाया, बीच में ही दो गाड़ियाँ निकल गई, येलो कलर एंड सिल्वर कलर, जो कि ऑरेंज में रैप्ड थी, करेक्ट। एंड अब तो आपके लिए फाइनली लेकर आए हम मस्टैंग, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कहीं से कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। इट हैज़ जस्ट डन 8,000 किलोमीटर्स, 8,000, बिल्कुल। और ये कौन से साल की है? दिस इज़ 2017। क्या हम मान के चले कि मस्टैंग हमारे पास हर मंथ अवेलेबल रहती है, एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं? तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको मस्टैंग अभी भी रीसेंट में सोल्ड में ऑप्शन में आएगी, जो कि ब्लैक कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, जिनकी आजीवन हमने आज ही डिलीवरी दी है। ये वाली जो है मस्टैंग, इसके अंदर कुछ भी लोडिंग्स हैं तो बता दो एक बार। इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्पेशल लोडिंग है जिसके बिना मस्टैंग मस्टैंग नहीं होती। बोरला कहते हैं उसे, बोरला। इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगे हुए हैं बोरला के, जो कि जो साउंड है वो कैसा देते हैं ये तो नमन ही स्टार्ट करके गाड़ी बताएंगे। सिर्फ स्टार्ट करेंगे और थंप देखना गाड़ी का कितना सॉलिड आएगा। मैं करीब कर लेता हूँ माइक को, माइक ऑन है। अभी आप चाहें तो इसका पीछे से जो टेल लैम्प्स है वो भी आप देख लीजिए। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, जो पीछे से इसके टेल लैम्प्स है ना वो माइंड ब्लोइंग लगते हैं। गाड़ी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कार, मतलब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो किसी भी स्पोर्ट्स कार की आपको इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगी कि आप उसको इजीली लेकर जा सके कहीं भी।
कोई भी स्पीड पे करो, कोई भी ऐसी इजीली क्रॉस कर लेती है। एक बार बूट खोलते हैं फिर। तो प्रैक्टिकल जो कहा गया वो इसलिए कहा गया कि अगर ये स्पेयर व्हील अगर इसके अंदर हम ना रखें तो फिर अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको एक स्पेस मिलता है। सिर्फ यही नहीं, पीछे भी अगर हम बात करें, चाइल्ड सीट्स वैसे हम उसको कहते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ मैनेजेबल स्पेस कि आप पीछे अगर दो तीन लोग भी बैठे तो आप इजीली बैठ सकते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी ना हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रैक्टिकल चीज़ क्या है। लेट मी गो इनसाइड और ये देखिए कितने कंफर्टेबल है। मैं आपको एक बार, मैं भी बैठूंगा आगे फिर आपको दिखाऊंगा। प्लीज़, मैंने ट्रैवल किया हुआ है कई, मतलब 5-10 किलोमीटर तो ट्रैवल किया हुआ है पीछे बैठ के ऐसे मस्टैंग मतलब के अंदर। मैं भी बिल्कुल आगे कंफर्टेबल बैठा हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे को कहीं ट्रैवल भी करना है। और आई थिंक आप भी अभी कंफर्टेबल हो गए मेरे हिसाब से, तो आई कैन मैनेज भाई। सो मतलब इजीली 3 जने तो बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर भी एडजस्ट करें तो शायद 4 भी। प्योर प्रैक्टिकल बात है ये। एग्जैक्टली। अब मैं निकलता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ और फीचर इसके। तो ये है 5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आप देख ही सकते हो कि मतलब क्या मतलब पावर है यार। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स तो देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अब बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर। 5 लीटर इंजन आपको दिखा दिया। देखो मस्टैंग से माइलेज तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊँ तो 5-6 ले लेना आप। मस्टैंग से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कैसी गाड़ी आपको परफॉर्मेंस दे रही है, गाड़ी की ड्राइव कैसी है, गाड़ी आप जब रोड प्रेजेंस कैसी है, सब चीज़ें ये मैटर करती हैं। अब समझाते जाओ कि अपने को क्या क्या बेसिक फीचर मस्टैंग के अंदर मिल जाते हैं। जी तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार आप किलोमीटर्स पे अगर इसके नज़र डालें तो इट हैज़ डन ओनली एंड ओनली 8693 किलोमीटर्स ओनली। एंड इंटीरियर की बात करें बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रीमियम फील भी देता है हमें और एक स्पोर्टी लुक भी देता है। जैसे कि सबसे अच्छा जो इसका मेन चीज़ लगती है इसका लोगो, कहीं से कोई वेयर एंड टेयर किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा। बटन जो है प्रॉपर कंडीशन में है। यहाँ पर इसके क्रोम की बात करें प्रॉपर है, ये बीच में पूरी टच स्क्रीन मिलती है इस दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। एग्जैक्टली, जो कि आप हीट एंड कूल सीट्स जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेट। इसमें बहुत अच्छा एक हमें फीचर मिलता है जो कि होता है जैसे हम नॉर्मली मोड्स चेंज करते हैं अपनी गाड़ी के, बट इसमें इस गाड़ी के साथ साथ स्टेयरिंग का भी मोड चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये स्टेयरिंग बना हुआ, ये जो टॉगल बटन है मैं इस पर करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे ऑडोमीटर क्या क्या। सबसे पहले आएगा नॉर्मल, फिर आएगा इसमें स्पोर्ट, देन कम्फर्ट। अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं तो स्टेयरिंग अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा एंड आपको कंट्रोल करने में इजी रहेगा। और वैसे मोड की अगर देखें तो मोड कौन कौन से अपने पास? वैसे हमारे पास ड्राइविंग मोड जो है नॉर्मल है, स्पोर्ट्स प्लस है, रेस मोड है एंड स्लिपरी। रेस मोड में तो मैंने कभी इसे टेस्ट नहीं किया, वैसे रेस मोड में खतरनाक हो जाएगा, एक बार चलानी चाहिए आपको। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने इसके अंदर बहुत सारे मोड देखे, मैंने कभी इसे प्रैक्टिकली फील नहीं किया क्योंकि ये यूज कार है, सेल के लिए होती हैं, तो जो खरीदेगा वही इसको करे तो ज़्यादा बेटर है। लाइन लॉक फीचर इसके अंदर आता है। अगर लाइन लॉक अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लाइन लॉक में आप बाकायदा टायरों को लॉक करके आगे वाले पीछे वाले टायर बर्न आउट के लिए यूज कर सकते हैं, जो इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है। रिवर्स कैमरा एक बार दिखा दो इसका, तो ये देख लीजिए, ये इसकी पूरी स्क्रीन में हमें वाइडर स्क्रीन में इसका कैमरा मिलता है एंड यहाँ इसमें हमें थोड़ी सी एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जैसे कि आप इसके कप होल्डर्स में देख रहे हो जो ऑप्शंस अवेलेबल है। करेक्ट है। एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है हमें। इसमें मैनुअल बनती है भाई? बिल्कुल, बेटर कंट्रोल के लिए मैनुअल हैंड ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको बंद कर देते हैं और आते हैं मुद्दे की बात पर, जो है इस गाड़ी की कीमत। क्योंकि मस्टैंग लवर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा एक अच्छी कंडीशन की मस्टैंग हो, कम चली हुई हो, ऑटो बेस्ट इंपीरियो के स्टॉक की हो, रेड कलर हो। दिस इज़ नॉट रैप, राइट? दिस इज़ ओरिजिनल रेड। ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल क्या होता है रैप भी चलते रहते हैं ना, तो इसलिए पूछ लो पहले। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, क्या डिटेल है? दिस इज़ फोर्ड मस्टैंग GT एंड 2017 मॉडल है। ओनली डन 8600 किलोमीटर्स एंड इसके हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 75,75,000 ओनली। Unnegotiable. A bit of negotiation is possible whenever the customer will finalize the car and we can do that on table. Delivery pan India? Pan India delivery available, pan India loan available and आपको बस करना ये है या तो हमारे शोरूम विजिट करें अगर आप लोकल एरिया में हैं, या फिर कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम आपको डील प्रोवाइड कराएंगे गाड़ी की बेस्ट पॉसिबल डील। तो डील कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? जब आपको इन्वेंट्री दिखाएंगे। आज आपको वेबसाइट की इन्वेंट्री दिखा देते हैं। वैसे वेबसाइट पर इसके अलावा भी बहुत गाड़ियाँ होती हैं, बट स्टिल अभी के लिए हम दिखाते हैं। तो नमन, ऐसी हम एक बार दिखाते हैं व्यूअर्स को, ये कौन सी गाड़ी है और क्या प्राइस है। मर्सिडीज बेंज C220D एंड ये जो है 2020 मॉडल है, मतलब कंफर्म 2020 है। ओनली डन 14,000। दिस इज प्रोग्रेसिव 3 टॉप एंड वेरिएंट
एंड वी आर आस्किंग 45,75,000 फॉर द कार. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. दिस इज GLC 43 AMG, रेड कलर रैप्ड इन ब्लैक. एंड रैप कोई कह नहीं सकता कि ये रैप है. एंड अगर हम इसकी बात करें किलोमीटर्स की, इट हैज़ डन 14,000 किलोमीटर्स, 2018 मॉडल. एंड वी आर आस्किंग 61.75 फॉर द कार. लेट्स टॉक अबाउट ई क्लास. दिस इज E200. सो दिस इज 2019 मॉडल एंड एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, जो टॉप एंड वेरिएंट आता है. एंड वी आर आस्किंग 61.75 लाख. जैगुआर एफ पेस, अगर आपने देखा होगा तो एफ पेस में भी तीन चार वैरायटी आ गई है. टाइम तीन ऑप्शंस थे, हमने तीनों अभी वो निकल चुके हैं. दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, जैगुआर एफ पेस, जो कि रेड कलर में है, 2018 मॉडल, 24,000 किलोमीटर्स डन. एंड वी आर आस्किंग 49.75 लाख फॉर द कार. ऑप्शन है इसे अभी के लिए, अभी के लिए हमारे पास जैगुआर में यही वाला ऑप्शन है, जो कि लेस ड्रिवन भी है एंड क्वालिटी में भी है. तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज GLE 43 AMG, 2016 मॉडल, ओनली डन 37,000 किलोमीटर्स. एंड वी आर आस्किंग 63,75,000 फॉर द कार. कूल. Let's talk about the next one, the Audi Q7. इसमें बहुत ऑप्शन है. This is Audi Q7 Premium Plus, 2019 model, only done 17,000 kilometers and we are asking 64,75,000 for the car. Petrol. ये तो भाई मेरी पर्सनल फेवरेट होगी है. Discovery is like mind blowing. And ये वाली Discovery आप देखोगे, this is all black. मतलब आगे से grill से जो logos हैं, पीछे तक पूरी गाड़ी black है. Alloy wheels भी आप देख सकते हो, dark grey color में है. This is 19 manufacturing, 20 registered car, only done 15,000 kilometers and we are asking 53,75,000 for this. Okay. X3 luxury line, the top end variant. And jo gaadi hai, this is 2018 model and jo driven hai ye hai 26,000 kilometers. We are asking 47.75. baat karte hain Mini Cooper ki. Mini Cooper mein bhi dekho aapko beat the myth concept mein do dikhenge aaram se, tasalli se main yahan baith jata hu aur inhe niharta hu. आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपको, क्योंकि मुझे तो माइंड ब्लोइंग लग रही हैं. और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी ऊपर मॉडल है. दोनों ही बिल्कुल लेस ड्रिवन गाड़ियाँ हैं, दोनों बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हैं. रेड वाली जो है 2018 मैन्युफैक्चरिंग है, 19 रजिस्टर्ड है, पूरी लोडेड है, JCW इंस्टॉल्ड है इसमें. ओके. एंड गाड़ी की हम जो आस्किंग कर रहे हैं 44,75,000 ओनली डन 6,000. नेक्स्ट वन रैप है या ओरिजिनल कलर है? दिस इज द ओरिजिनल कलर ऑफ मिनी कूपर एंड दिस इज 2020 मॉडल, 2021 रजिस्टर्ड एंड ओनली डन 3,200 किलोमीटर्स. ओके. एंड वी आर आस्किंग 47,75,000 फॉर द कार. बहुत बढ़िया. अब बात करते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे इसके अलावा भी. ये तो अभी देखो पीछे भी गाड़ी आ रही है आपके लिए, रेंज ओवर स्पोर्ट भी है. सो दिस इज़ GLA 200, 19 मॉडल है, ओनली डन 13,000 किलोमीटर्स, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है. एंड वी आर आस्किंग 31,75,000 फॉर दिस. अभी हमारी प्राइस रेंज क्या चल रही है अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम? आप अगर हम करें तो अप्रॉक्सीमेटली देखें, जो रेंज चल रही है वो है 26-27 से स्टार्टिंग. ओके जी. ई क्लास. सो दिस इज E220D डीजल वेरिएंट में, जो हमने पहले देखी वो पेट्रोल में थी, ब्लू वाली. एंड ये जो गाड़ी ड्रिवन है, दिस हैज़ डन 18,000. दिस इज एक्सक्लूसिव टॉप एंड वेरिएंट, 2020 मॉडल कंफर्म. एंड वी आर आस्किंग 62,75,000 फॉर दिस. नेक्स्ट, दिस इज GLC 43 AMG, तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है इसमें. एंड ये जो मॉडल है, ये है 16 मैनुफैक्चरिंग, 17 रजिस्टर्ड एंड दिस हैज़ डन 24,000 किलोमीटर्स. वी आर आस्किंग 56,75,000 फॉर दिस. नेक्स्ट, X5. X5 is 2018 manufacturing, 19 registered, 51,000 kilometers done. तो asking इसका जो price है वो है 51,75,000. Next, BMW. So this is BMW 630D GT, luxury line में जो आती है, जो इसके kilometers हैं वो है 50,000 kilometers. We are asking 47,75,000 for this. Now, manufacturing, 19 registered. Now let's talk about the my favorite car, that is Range Rover Sport. Price bata dein. This is Range Rover Sport 2016 manufacturing, 17 registered, 35,000 kilometers done. Range Rover Sport SE. And iske hum jo asking kar rahe hain wo hai 77,75,000.